हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी तुरई की छिलकों की चटनी। इसको सिंपली ऐसे छील लेनी है। इस तरीके से हमको तुरई को अच्छे से पील कर लेनी है। इसके ऊपर का स्किन ऐसे निकाल लेनी है। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी चटनी बनता है। इसको अच्छे से ऐसे पील करके हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरीके से पूरे तुरई को हमको छील लेनी है। यहाँ पर मैंने 1/2 kg ली हूँ तुरई। अभी इस तुरई को हमको क्या करना है, हम सब्जी बना लेंगे। और ये जो है, ये छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। हमने अच्छे से धो के तुरई की छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिए। अभी बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पे हमने 2 टीस्पून धनिया लिए हैं, कोरिएंडर सीड्स, 2 टीस्पून जीरा, कुमिन सीड्स, 3 टीस्पून उड़द दाल, थोड़ा सा टर्मरिक, इमली, 1 medium size टोमेटो पीसेस, 3 to 4 ग्रीन चिलीज। अभी हम स्टोव ऑन करके 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसमें डालेंगे जीरा, धनिया, उड़द दाल, ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको ऐसे ही अच्छे से फ्राई करना है 1 मिनट तक। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको प्लेट में हम निकाल देंगे। अभी इसी कढ़ाई में हम थोड़ा और तेल डाल देंगे, 1 टेबलस्पून, और इसमें हम ये पीसेस ऐड कर देंगे। जो तुरई के छिलके हैं ऐड कर देंगे। लो फ्लेम में इसको ऐसे ही फ्राई कर देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, हल्दी और अच्छे से मिक्स करना है और ऐसे ही फ्राई करना है। अभी इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पीसेस। अभी हम इसमें इमली भी डाल देंगे। अभी लिड लगा के इसको 2 मिनट्स तक ऐसे लो फ्लेम में हम ऐसे पका लेंगे। ये अच्छे से पक चुका है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल देंगे। अभी इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद एक मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अभी इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं थोड़ा सा गुड़। आप चाहो तो 1 टीस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है। ऐसे करने से चटनी में बढ़िया सा फ्लेवर आता है। इस तरीके से हमको पीस लेनी है। पीस लेने के टाइम में हम 3-4 स्पून वाटर ऐड कर सकते हैं। अभी इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे। अभी हम एक पैन रख के इसको 1 टीस्पून ऑफ ऑयल डाल के गर्म कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स, राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून चना दाल, ड्राई रेड चिलीज और करी लीव्स, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसको हम वो चटनी में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी तुरई की छिलकों की चटनी रेडी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।